मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 2000 प्लस की जो लाइव ट्रैफिक है वो मेरी साइट के ऊपर अवेलेबल है और मेरी साइट स्टिल जो है वो रन है, अभी भी वो आपको वीडियो स्क्रीन साइट पर शो हो रही होगी। अब उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए थे कि सर आप होस्टिंग कौन से यूज करें, तो यकीन माने कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि यार इतनी सस्ती होस्टिंग और इतनी ज्यादा क्वालिटी वाली होगी, कभी भी मैं ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आई और 2000 प्लस लाइव ट्रैफिक होने के बावजूद भी मेरी साइट उसी स्पीड से ओपन हो रही थी, सो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत महंगी महंगी होस्टिंग से बाय करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट कम है, अगर आपके पास पैसा की शॉर्टेज है, सो देन आप इस होस्टिंग को लाजमी से यूज कीजिएगा। ये कोई मैं प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूं, पर्सनली मैं खुद यूज कर रहा हूं, देन आपको रिकमेंड कर रहा हूं। और आप लोगों को भी पता है कि जो वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं वो ऑथेंटिक होती है, ओरिजिनल होती है, किसी भी तरह की कोई फेक इंफॉर्मेशन फेक नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि अगर आपके साइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, सो आप डायरेक्ट इनके साथ चैट करें, आपको फौरी रिस्पांस मिलेगा पाकिस्तानी लैंग्वेज में, या आप इनके नंबर्स पर डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट करें, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये बंदे आपको देंगे। सो आज इस वेबसाइट का हम रिव्यू करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। प्रूफ मैंने स्टार्ट में आपको इसीलिए दिखा दिया है कि भाई आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट ना रहे कि यार ये कोई फेक वीडियो या प्रमोशन वीडियो है। दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी अगर आपको पाकिस्तान में चाहिए सो वन ऑफ द बेस्ट जो पाकिस्तानी होस्टिंग है वो है दोस्तों होस्टर पीके। होस्टर पीके का आपने नाम सुन रखा होगा, अगर नहीं सुन रखा है तो मैं आपको इसी वीडियो में यही तो बताने आया हूं कि भाई ये है क्या चीज। होस्टर पीके एक ऐसी कंपनी है जहां पर सबसे पहले प्राइसिंग की बात की जाए तो बहुत ही चीप प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान मिलते हैं, एंड साथ ही साथ अगर इसके मजीद अगर आप एडवांस की तरफ जाओ तो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं, यकीन माने कि ये होस्टिंग प्लान उनके उश्र अशीर भी नहीं है, सो आप इनको लाने से यूज कीजिएगा। अब इसके मजीद फीचर्स क्या है, इसको कैसे बाय करना है, ये सब चीजें मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर समझाऊंगा। लेकिन एक टिप यहां पर देता चलूं कि अगर आप ये होस्टिंग यानी कि होस्टर पीके से होस्टिंग मेरे एफिलिएटेड लिंक से बाय करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो देन आपको मैं दूंगा एक जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही बाय कर रखी है और 500 यूजर्स को वो थीम जो है वो मैंने प्रोवाइड करनी है। सो जल्दी से इस हमारी टीम को ज्वाइन करें, कोई भी होस्टिंग परचेज करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें कि सर हमने आपकी जो वो होस्टिंग से जो है आपके एफिलिएटेड लिंक से हमने होस्टिंग परचेज की, सो आप हमें जो है वो अब प्रीमियम थीम जो फ्री में दें। सो मैं आपको लाइव एक साल के लिए लाइव अपडेट के साथ लाइसेंस की एक्टिवेट करके दूंगा जिससे आप अपने साइट को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। सो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और तमाम चीजें समझ लेते हैं। सो सबसे पहले आपको जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक जो मजे की बात है भाई, आप इजी पैसा जैस कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर होस्टिंग प्लान आपको बहुत सारे मिलते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो यहाँ पर दो प्लान है, अनलिमिटेड प्लान जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड प्लान 1 एंड 2। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन सा प्लान, तो मैं जो है वो इनका लास्ट वाला प्लान अनलिमिटेड प्लान 2 वाला यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अनलिमिटेड डेस्क स्पेस मिलती है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, एक डोमेन जो है वो फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर 99% सर्विस टॉप टाइम रहता है और ये हकीकत है। ठीक है, उसके बाद जो वो 30 डेज का जो वो मनी बैक गारंटी भी मिलती है हमें, 24/7 हमें टेक्निकल सपोर्ट भी मिलती है, और काफ़ी बार मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है, डायरेक्ट कॉल करें कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पर चैट सपोर्ट भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख के डायरेक्ट इनको SMS करें, ये आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से अपना प्लान सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि ये जो अनलिमिटेड प्लान है ना, इनको ही बाय कीजिएगा। ठीक है, एक 8300 का है, दूसरा 13000 का है। ठीक है, अगर आप इनको बाय कर लोगे ना एक साल के लिए, तो भाई आपकी अनलिमिटेड जो है ना वो आपकी होगी, जितनी मर्जी ट्रैफिक है कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने किसी को भी सिलेक्ट कर लेना, सो मैं यहाँ पर ऑर्डर नाउ या अनलिमिटेड प्लान 2 जो है उसको क्लिक कर लेता हूँ, तो आपने ऑर्डर नाउ पर क्लिक कर देना है। ऑर्डर नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डोमेन का नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समर अली TV2।
ठीक है, summerltv2.com, ये मैंने चूंकि ऑलरेडी मेरे नाम की है पड़ी, तो मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। सो ये जो डोमेन है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे आ गया ना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन summerltv2.com इज अवेलेबल हेयर। ठीक है, सो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर अवेलेबल ना हो तो आप अपना नाम वगैरह चेंज करके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और जो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने डोमेन को ट्रांसफ़र करवा रहे हो, मसलन क्या ऑलरेडी आपने कोई होस्टिंग परचेज कर रखी है और आप चाहते हो कि यार वहाँ से मेरी डोमेन इस वेबसाइट पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपसे ना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं कर दूँगा आपको। ठीक हो गया, देन आपने डोमेन जब अपने यहाँ पर आपने चेक कर ली और डोमेन जो आपकी सिलेक्ट होगी, देन आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। सो अब आपने क्या करना है जी, नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर आपकी सब चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, आपको जो वो यहाँ पर सब CDN क्लाउड फ्लेयर CDN आपको दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी साइट के पे ऊपर कोई हैक अटैक होता है तो उससे आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ये जो नेक्स्ट स्टेप का जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये प्लान वगैरह आपने अपना चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये टोटल 4 स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फिल करना होता है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपके पास अगर कोई प्रोमो कोड है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, बट अभी प्रोमो कोड कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई अवेलेबल अभी प्रोमो कोड नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन आपने क्या करना है जी, चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपल आपने चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, ठीक, उसके बाद अपना कंपनी का नेम, अपनी वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हो, अपना एड्रेस वगैरह लिख दीजिएगा, अपनी सिटी, अपना सूबा सेलेक्ट कर लीजिएगा, पोस्टल कोड जो भी होगा वो लिख देना और पाकिस्तान वगैरह, क्योंकि कंट्री हमारे पाकिस्तान है तो यहाँ पर सेलेक्ट है। उसके बाद जी डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कोई डिटेल वगैरह जो वो दी यूज़ की जाएंगी, जो अबव डिटेल होंगी यानी कि जो ऊपर दी गई डिटेल है डोमेन के लिए यूज़ होंगी, कोई शिक बात नहीं। यहाँ पर एक पासवर्ड चूज़ कर लीजिएगा, कन्फर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। पेमेंट डिटेल पर यहाँ पर आप देख लीजिएगा आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैस कैश के थ्रू, UPI, ओमनिटी से, जिसके भी थ्रू करना चाहते हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। तो मैं इजी पैसा जैस कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ आप अगर एडिशनल कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो दे दीजिएगा। उसके बाद आई हैव पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना। सो जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन दे दें, तो मैं वीडियो को पॉज करके पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो डिटेल वगैरह जो मैंने फिल कर दी है, देन मैं कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। सो कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहाँ पर हमें सिंपल यही बताया जाएगा कि भाई आप पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद जो है वो आपकी डोमेन जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यूअर ऑर्डर नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ये इनवॉइस नंबर जो वो आप अपना याद कर लीजिएगा। सो यहाँ पर देखें आपको अनपेड शो हो रहा है, साथ में आपको डेट भी शो हो रही है। ठीक है, एंड आपका इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने पे किस तरह से करनी है पेमेंट वो मैं आपको बता। आपने सिंपली अपने इजी पैसा अकाउंट में जाना है, ऐप में ओपन कर लेनी है, और वहाँ पर जहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं ना बैंक अकाउंट में, वहाँ पर चले जाना और वहाँ पर एक अकाउंट होता है क्विक पे के नाम से, आप सर्च भी कर लीजिएगा क्विक पे। ठीक है, क्विक पे को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये वाला नंबर लिखना है। ठीक है, नंबर लिखने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि भाई आपकी जो ये इनवॉइस है ना इसकी इतनी प्राइस बन रही है। ठीक है, जैसे कि मेरी यहाँ पर 13,000 बन रही है, अगर आपकी 3,000 होगी तो आपको 3,000 बता देगा, अगर 4,000 तो आपने अलाउ कर देना है और ये जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट हो जाएगी। कट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएं, देन आपको यहां पर बैक टू क्लाइंट एरिया के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो आपका ये वाला फेस आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर मैंने ये पे नहीं करना था, जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया, मैंने ऑलरेडी दूसरा अकाउंट बना रखा है जिसमें मैंने ये होस्टिंग वगैरह परचेज कर रखी है। सो मैं वो वाला अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर जो मैंने होस्टिंग परचेज कर रखी है, ठीक है, उसकी प्राइस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको शो होगा कि आपकी पेड कितना है। ठीक है, सो यहाँ पर पेड मेरा एक लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेटस में देखिए पेड शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस की, आपको अकाउंट की ओवर और ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मेरा पेड, एक मेरी इनवॉइस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह पहले था अनपेड। ठीक है, जो हमने अभी परचेज नहीं किया हुआ था ना उसका यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको थोड़ी देर वेट करना, फिर यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस तरह आपको शो हो रहा है। ठीक है, सो मैं आ जाता हूँ बैक। अब अपने सी पैनल वगैरह में कैसे जाना है और उसमें अपने मसलन की होस्टिंग वगैरह किस तरह से इंस्टॉल, सॉरी वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है, वो तमाम चीज़ें वो ऑलरेडी मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट बस यही करूँगा कि आप इस होस्टिंग को लाजमी से परचेज कीजिएगा। ठीक है, सो इसमें ये होगा कि जी आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी एंड आपको जो है वो लो प्राइस में बहुत अच्छी होस्टिंग मिल जाएगी और आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर सकते हो। सो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन क्लिक करें। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।